12 साल से तो झेला ही रहे। तो ये हमारा हीटर है, जब से शादी हुआ है ना। मेरी अम्मा एक मिनट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारा पूजा वगैरह हो गया, आज है ट्यूसडे और आज है हमारा फास्ट और हमारा पूजा हो गया है। तो अभी हम किचन में आए हैं, चाय बनाते हैं और रसगुल्ला बनाएंगे, मीठे में कुछ खाने का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा भी फास्टिंग है और मेरे पति देव का भी फास्टिंग है। हम लोग का आज मंगलवार का व्रत रहता है। तो ये लास्ट 5 ईयर 6 ईयर से कंप्लीट ये फास्टिंग मेरा होते आ रहा है। और तो दिन भर हम पूरा फ्रूट पे रहते हैं और रात में खाना पीना नॉर्मल राइस दाल जो होता है वो खा लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हवा है, आज यहाँ पे सन बिल्कुल ही नहीं निकला है, बाहर का टेम्परेचर -2 डिग्री है। तो घर में तो अब घर में क्या है, घर में हल्का ठंडा अभी लग रहा है तो जैसे पतला स्वेटर पहन लिए, लेकिन हम लोग ने अभी तक हीटर ऑन नहीं किया है। सोच सकते हैं कि मतलब बिल्कुल ठंड लग ही नहीं रहा है, मतलब घर में क्या एक पतला स्वेटर है, अब ऐसा ठंड नहीं है जो हीटर ऑन करना पड़ रहा है, वो अभी नहीं करना पड़ रहा है। हीटर ऑन अभी तक हम लोग नहीं किए हैं क्योंकि इतनी ठंड घर के अंदर नहीं, घर के बाहर जैसे ही डोर ओपन करेंगे बहुत ज्यादा ठंड है, बट घर के अंदर बिल्कुल ठंड नहीं। और हीटर दिखाते हैं आप लोग को, और ये देखिए ये हीटर है, अभी तक हमने ऑन नहीं किया। ये देखिए बंद है। ऐसा ऐसा इस रूम में दो दिया है, एक इधर दिया है, एक कॉर्नर में दिया है, तो दोनों में से कोई ऑन नहीं है। मतलब ये पूरा अगर ऑन कर देंगे तो घर बिल्कुल ही गर्म हो जाएगा, ठंड बिल्कुल ही नहीं लगेगा, बट अभी हम लोग ने तो इसको देख रहे हैं ऑन भी नहीं किए हैं। ऑन ऐसे होगा, बहुत टाइट है, इतना टाइट है। ये देखिए नंबर 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा। और देखिए यहाँ का भी हीटर ऑफ ही है, ये देखिए ऑफ ही है, तो सब जगह का ऑफ ही है। मतलब ठंड घर में नहीं लग रहा है, ये सोचिए ना। अब हल्का पतला था, अभी नहा के आए तो थोड़ा तो ऑलरेडी तो लगेगा ही, क्योंकि बाहर इतना टेम्परेचर माइनस में है तो घर में थोड़ा तो लगेगा। लेकिन एक होता है ना कि नहीं बहुत ज्यादा ठंड है, कंबल में बैठे रहे कोई काम ना करें, तो वैसा नहीं है। और हम लोग को अभी हीटर चलाने का जरूरत भी नहीं पड़ा है क्योंकि घर इतना पैक है कि हवा बिल्कुल ही नहीं आता है। जब तक आप विंडो या डोर ओपन नहीं करेंगे तो आपको ठंड बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए पनीर बनाते हैं। पनीर बनाने के लिए, रसगुल्ला के लिए सबसे पहले पनीर बनाना होगा। तो पनीर बनाने के लिए यहाँ पे हम 3.5% का मिल्क का यूज कर रहे हैं। तो इससे अच्छा मिल्क, अच्छा क्वांटिटी में छेना निकल जाता है। अगर यही 1.5% का बनाएंगे, 1.5% का, तो बिल्कुल नहीं निकलेगा छेना, बिल्कुल ही नहीं। 1 लीटर मिल्क का रसगुल्ला बनाने वाले हैं। तो इधर हमारा, यहाँ पे हमने दूध चढ़ा दिया है छेना के लिए, रसगुल्ला बनाने के लिए। और इधर हमारा चाय बन रहा है। ठंड में तो थोड़ा सा आदि वाला चाय तो होना ही चाहिए भाई, ठंड ठंड मौसम है। तो चलिए हमारा चाय हो रहा है। और पनीर के लिए लेमन, लेमन हम रखते हैं ये वाला, तो ये रहा लेमन। चाय बन रहा है, ये देखिए चाय मांगने के लोग बन रहे हैं फिर। आज किसका, हेलो एवरीवन, खाली यही हेलो बोलते रहती है। किसका किसका फास्टिंग है? ट्यूसडे को भाई, इसके कारण जो है ना, मेरे कारण भगवान का पूजा पाठ हम भी कर लेते हैं। हाँ, ये है, जब से शादी हुआ है ना तब से फंसे पड़े हैं हम भाई इसी के चक्कर में। क्या मतलब ट्यूसडे को फास्टिंग हो गया, बीच में ना फ्राइडे को भी फास्टिंग हुआ करता था। फ्राइडे का हम लोग करते थे, लक्ष्मी जी का ना पूजा करते थे। हाँ, वैभव लक्ष्मी का, वैभव लक्ष्मी हम लोग कितने मतलब 11 वीक किए थे, आई थिंक बहुत पहले किए थे, हमको लगता 4 साल हो गया, 4-5 साल। हाँ, मतलब इसके आने से ना मेरा जीवन एकदम श्रद्धामय हो गया है एकदम। हाँ, भक्ति भजन एकदम करते रहो।
नवरात्र अम्बे का पूजा पाठ होता है। नवरात्रा तो हम शादी से पहले से ही करते थे पाठ, लेकिन शादी के बाद मेरा सोचे कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। हजार फास्टिंग करती है मेरे लिए भाई, क्या बताएं यार। चलो हम हाँ। तो खुश हैं लेकिन अपना इंडिया का कल्चर जो है ना, एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ वो बच्चे के लिए रिसीव के लिए है, उसको भी स्टार्ट करना है। हाँ, एक जितिया जो है करना है। जब भी सोच दो बार सोचे तो अच्छा नहीं लगा, और एक बार सोच जब सोचे तो तीन दिन का लगा था तीन। हाँ, तो जितिया स्टार्ट करना है, अच्छा लगे, इस बार अच्छा नहीं लगा था। हाँ, जितिया बोलते है ना कि कुछ स्टार्ट जब हो करता है ना तो कुछ अच्छा जो है ना जितिया का डेट होता है, पता नहीं क्या अच्छा का होता है। हमारे घर से तो यही बोला जाता है कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जब अच्छा पकड़ाता है ना तो दो तीन दिन का हो जाता है लंबा, तब मन नहीं करता है यार। हाँ, तब घर से बोला जाता है भाई अभी मत करो भाई, वाट लग जाएगा। लास्ट टाइम अच्छा हुआ, मेरी मम्मी बोलती तीन दिन का मत करो, बाद में करना अच्छा टाइम जब लगे। फिर इस बार अच्छा ही नहीं था। मेरी फ्रेंड बोलती है 10 साल आप गुजार दिए, 11 साल बहुत है यार। तीज कर ली, उसके बाद एक करवा चौथ भी चालू कर दी है, बट सावित्री करती है। यस, बहुत है, बहुत है। ये तो है। अभी क्या करें, अभी छुट्टी में क्या है, लॉकडाउन हो गया, ऊपर से वैक्सीन निकला, पता चला है ब्रिटेन में वायरस का बाबूजी आ गए। हाँ, अलग तरह का वायरस जो है ना, कोरोना अपना जो है रंग रूप दिखा रहा है, वाला वायरस बना लिया है जो कि खूब फैल रहा है भाई। और ये सिम्टम्स हुआ है ब्रिटेन, नीदरलैंड और ब्रुसेल और डेनमार्क है ना, डेनमार्क और कुछ भी कंपनी और कुछ कंट्री है। तो जहाँ ये निकल रहा अलग तरह का वायरस जो है ना अपना बना लिया है कोरोना, मतलब दुनिया खुश हो रहा था वैक्सीन निकल गया, और यहाँ पे कोरोना अलग कोरोना फैला रहा है। कोरोना पार्ट टू आ चुका है भाई, घर में बैठे रहो अपना जो जाओ। तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो अभी तो यहाँ पे 10 जनवरी तक 11 जन हाँ 10 तक है ना, 11 को 10 तक तो लॉकडाउन है। हम जैसा आसार है लग नहीं रहा है कि कुछ होगा। बस खाने पीने का जो है ना चीज, सुपरमार्केट ओपन है, बाकी सब कुछ बंद है। अच्छा है, मेरा पैसा भी बच रहा है, अपना फेवरेट शॉपिंग नहीं कर पा रही है। ऋषि भी बोल रहा था जाएंगे टेडी। मेरा पैसा भी बच रहा है, गुड। चलिए, तो हमारा चाय यहाँ पे, ये देखिए चाय दिखा दीजिए पति देव की। चाय दिखाते हैं भाई, हमारे ब्लॉग में चाय तो होना चाहिए। खतरनाक उबलता हुआ चाय, इतना उबल गया। सही कीजिए। तो भैया चाय मस्त बन रहा है। अरे एक बात तो आप लोग के साथ शेयर करना है, एक सब्सक्राइबर है हमारे, नाम याद नहीं है, वो हमारे बाल को छोटा। हाँ, एक तो बेचारी का बाल छोटा है। लोग बोल रहे हैं ना कि और छोटा करा लीजिए आप, ठीक है, इन्वर्टेड बॉब कट, ठीक है, इसे करके देखिए। रहने दो भाई, अभी कहीं नहीं जाना है कोरोना में, घर में बैठो आराम से, जैसा है ना, बहुत अच्छी लग रही है मेरी बेबी। नहीं नहीं, जिन्होंने बोला उनको भाई थैंक यू, अच्छा लगेगा। पता है, एक तो हमको बाल कटाने का बिल्कुल शौक नहीं था, हमारे बाल तो एक लंबे होते नहीं है, बहुत मेहनत से हुआ। इनका शौक था कि 5 साल से थोड़ा छोटा करा कर, इनका भी बात नहीं माने। वो हमारी फ्रेंड कौन सा रिमोट, ये देखिए आया रिमोट लेने के लिए टीवी का। हेलो, रिमोट नहीं मिलेगा। और ये देखिए, ये हमारा पनीर, मतलब ये हमारा छेना बन चुका है, देखिए। और चलिए चाय भी हो गया, चाय को छान लेते हैं। चलिए चाय हो गया, दे देते हैं। ये रहा हमारा चाय। हाँ लीजिए, थैंक यू बीबी, वेलकम। कंटिन्यू करते हैं अपना, कंटिन्यू बात पहले करते हैं। हाँ, तो बात क्या था? बात था भैया कि हमारी बीवी का बाल और छोटा होगा। ना ना ना, जरूर होगा। जो बोले उनको थैंक यू, अच्छा लग सकता है। मैं भी बाल मेरा इतना लंबा था, बहुत, एक तो लंबा होता नहीं है मेरा बाल, बहुत मेहनत से बड़ा हुआ था। एक तो इनका शौक था कि बाल कटाओ, हमने कभी नहीं कटाए। उस पे तड़का लगाई है मेरी फ्रेंड और मेरे गेम पार्टनर, वो दोनों मिलके, सब मिलके मेरा बाल, और ये हमारे पति देव जी, सब मिलके मेरा बाल छोटा, बहुत इतना हुआ था, और बड़ा मुश्किल से इतना बढ़ा है थोड़ा सा। आप नहीं कटाएंगे प्लीज। हम भी ये सोचे थे कि नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन अच्छा लगा। और आप जो बोल रहे हैं कटाने के लिए, मैं भी अच्छा लगे मुझ पे, थैंक यू। बट मुझे बाल लंबा करने का बहुत शौक है, हम चाहते मेरा बाल बहुत लंबा हो, कभी नहीं होगा ये जीवन में, तो लगता होगा ही नहीं कभी।
क्या बोलते हैं, नहीं होगा ना, होगा 12 साल 13 साल हो गया, कभी कटाए नहीं है, बस थोड़ा सा बस नीचे बराबर करते, उसमें तो आज तक नहीं बढ़े हैं मेरे लंबे बाल। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर नेक्स्ट काम करते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमारा पनीर बन चुका है, छेना तैयार है रसगुल्ले के लिए, इसको मैश कर लेते हैं। तो जब मंगलवार को टाइम मिलता है तो कभी ये रसगुल्ला, कभी रसमलाई, जैसा टाइम मिले बना लेते हैं। हमारे घर में दोनों को रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा ये फेवरेट है, बट गुलाब जामुन ज्यादा पसंद है। ये देखिए, इतने पीस 1 kg मिल्क में, इतना पीस इसका हम हाफ बना सकते हैं, छोटा छोटा बना सकते हैं। तो मानिए ना 16 पीस होता है, अभी 8 पीस बना है, इसका हाफ आप बना सकते हैं। अभी दिखने में ऐसा लग रहा है तो और बड़ा होने वाला है, इसलिए आप हाफ भी बना सकते हैं। तो 1 kg मिल्क का ये है, और यहाँ पे हमारा, यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो रहा है, इसमें हमने चीनी डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे यहाँ पे ये इलायची पाउडर, और ये गया हुआ धीरे 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 धीरे। और देखिएगा इसका साइज क्या डबल होगा। चलिए 10 मिनट तक कवर करके छोड़ दिए, 10 मिनट के बाद चेक करते हैं कि कैसा होता है। तब तक वो हो रहा है, तब तक कारपेट को वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। पहले वाला कारपेट बहुत गंदा हो गया, और यहाँ पे देखिए इसका साइज देखिए, मैंने बोला था ना डबल हो जाएगा, ये देखिए। इसमें आप 2 रसगुल्ला आराम से बना सकते हैं, तो आपका 16 पीस 1 kg में बन जाएगा। चलिए रसगुल्ला हमारा बन गया है, ठंडा होता है तो फिर इसको सर्व करते हैं। और ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल, ये सर्व करने के लिए तैयार है, तो चलिए इसको सर्व करते हैं। हल्का थोड़ा गर्म है, बहुत मजेदार लगता है हल्का गर्म खाने में। चलिए टेस्ट किया जाए कि कैसा बना है। ये जा रहा है अपने मंजिल पे, अपने मंजिल पे ये आ चुका है, आ चुका है। चलिए बन गया है, अब टेस्ट किया जाए कैसा बना है। लो बेटा, कौन सा लोगे? हाँ ये ले लिया अपना। चलिए अपन लोग का ये आ जाइए, वो काम ही कर रहे हैं अभी तक। ये आपका और ये हमारा। ये भाई इसकी इज्जत करो, इतना मेहनत से अभी बनाए हैं, दूध दूध पनीर उन्हें पार्क। आगे मैडम, आगे मैडम, बताइए कैसा बना है, कैसा है बताइए तो। गर्मा गर्म रसगुल्ला, बहुत मजा आया खा के, बहुत बढ़िया बना, मस्त। अब बताइए ऐसा मंगल कौन नहीं करेगा। खाने को मिले इनको रसगुल्ला तो करेंगे ही ना। हम तो नहीं भी खाते, हम अपने लिए नहीं बनाते, इनके लिए बनाना पड़ता है। क्यों रे, जोक मार रहे थे क्या? हम तो ना कुछ भी खा लेते हैं, पता है, लड़की कुछ भी नहीं खाती है। खाते ना काजू किशमिश, हो गया 2 पीस और है, उसको भी निपटा ही दीजिएगा, रहता है तो फिर खराब हो जाता है, फिर ना वो डब्बा में रखा जाता है, फिर सब भूल जाता है। 8:30 हो गया है, भूख तो लगा है कस के, मंगल है भाई, बस चाय पिए, अभी शाम हो गया है, मतलब शाम क्या रात हो गया, 8:30 हो गया। तो चलिए कुकिंग करते हैं। कुकिंग में तो बस चावल बनाना है, दाल बनाना है और भुंजिया बनाना है। तो चलिए जल्दी से दाल चढ़ा के गए थे, दाल हमारा बन चुका है, जो चाय बनाने आए थे तभी दाल बन गया है। अब हमें बनाना है भुंजिया बनाना है, तरुआ बनाना है और राइस बनाना है। वीडियो नहीं बन रहा है ना? हाँ वीडियो बन रहे हैं। हेलो, तो ये ना जब देखो ना वीडियो बनाते रहती है भाई। आज मंगलवार है, इतना भूख लग गया है ना। जैसे बाबू, मम्मा खाना नहीं बनाएगी अब? देखो बोल दो भाई, दुनिया को बोल दो मम्मा खाना नहीं देती है, बोल दो मम्मा खाना देती है कि नहीं देती है? जब मम्मा देती है कि लेट से देती है? लेट क्या, 8:30 में उठे हैं और कितना बजे है? 8:943 हुआ, मतलब 1 घंटे में हम क्या क्या बनाए देखिए।
दिखाइएगा, रुक के दिखाते हैं। देखो भैया हमारा तो फेवरेट ये है भाई, मस्त पापड़ चिप्स जो है ना रिसित लाता है अपने लिए और हम भी जो है खाते हैं, ठीक है। और रुके और दिखाते हैं कि हमारे यहाँ ना ट्यूसडे को क्या बन, ये देखिए जो है ना तरुआ बन रहा है, बैगन का, आलू का और कद्दू का, ये तीन चीज का बनता है। और मेन खाना देखिए तो हमारे यहाँ ट्यूसडे को मस्त चावल बनता है, दाल, आलू भिंडी का भुजिया, फिर उसके बाद ये परवल का भी भुजिया, ठीक है। तो इतना चीज जो है हमारे यहाँ मंगलवार को बनता है और हमको ये बहुत ही बढ़िया खाना लगता है। फेवरेट खाना यही है। हमको मंगलवार को ना बहुत अच्छा खाना लगता है कि हम ना सिंपल साधारण चावल दाल खाओ, प्रभु के गुण गाओ। ये चारों पे गर्म है, चारों पे चावल दाल भुजिया बना है इसलिए चारों गर्म है। तो अब हम लोग का जो है बस ब्लॉग काम लग रहा है कि अंत में पार्ट है ना। हाँ, ब्लॉग को एंड करते हैं। खाना जो है बन गया है भाई, बहुत खर्च के भूख लग गया है। सही है, 10 बजे। लो भैया पकड़ो अपना ब्लॉग, गरम जा रहे हैं भाई। तो चलिए वो बन रहा है और ब्लॉग को अब हम यही एंड करते हैं, जा रहे हैं हम खाने के लिए, खाने के लिए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा डन है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जा रहा है खाने के लिए, ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका है, भूख ज्यादा लग चुका है, रिसीत भी जगा हुआ है। रिसीत अभी तक सो जाता था 9:30 तक, लेकिन अभी स्कूल क्लोज है तो उसका भी लेट होता है, तो सबको अभी साथ में ही खाना खाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।